सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और इस वक्त मैं खड़ा हूँ बागेश्वर के ऐतिहासिक चौक बाजार में। ये चौक बाजार वो जगह है जहाँ पर हर राजनीतिक पार्टियाँ तथा हर कोई पहले के समय से अपनी अपनी समस्याएं तथा जनता की बातें यहाँ पर रखी जाती हैं। लेकिन देखा गया है कि विगत कई वर्षों बाद जो मतलब मैं यहाँ पर इस प्रकार से जन समूह देख रहा हूँ, क्योंकि एक समय ये होता था जब बागेश्वर बहुत छोटा था तो तब जो है लोग जो हैं यहाँ पर छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे। तब अभी जो बहुत बड़े बड़े जो देश के हमारे उत्तराखंड के नेता हैं वो लोग यहाँ पर आकर जो है यहाँ पर जनता के बीच अपनी अपनी बातें रखते थे। आज समय जो है, आज का दिन जो है, पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में यहाँ के जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ आए हैं और उनका कहना है कि हम जो है आज प्रशासन को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार आपने अपनी पेंशन तथा अपनी तनख्वाह बढ़ाई है तो उसी प्रकार हम भी आपके हिस्सा हैं, वो तो हमारे पर भी दया दृष्टि कीजिए तथा हमारा हक जो है हमें दीजिए। तो अपार जनसमूह है, ये पूरे बाजार मतलब पूरे बागेश्वर में इन्होंने भ्रमण किया और जब पूरा बागेश्वर इन्होंने भ्रमण किया तो तब जाके सोचा कि अब जो है हम थोड़ा सा चौक जा रहे हैं वहाँ पर जो अपनी बातें रखें और देखते हैं कि क्या बातें कहते हैं और क्या मतलब इनका मतलब दर्द है, क्योंकि जब रोड में आदमी तभी आता है जब उन्हें कोई परेशानी होती है। देखते हैं क्या कहते हैं इनके लीडर, कुछ ना कुछ कहेंगे। और इससे पहले भी आपने ध्यान दिया होगा सरयू नदी तट में भी बहुत बड़ा एक विशाल जनसमूह जो है वो आया हुआ था और उनका भी यही कहना था कि यार हमें जो है अपनी बात रखें। क्योंकि अगर अब कोई इनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो अगर कुछ कहते हैं तो हम भी सुनते हैं यार आगे क्या कहना चाह रहे हैं और आज का मतलब इनका उद्देश्य क्या है। ठीक है महाराज की जाओ, आप तो बहुत बड़ी समस्या लेके आए। Thank you.